नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश आज दिन भर के मुख्य समाचार। नगरोटा बगवा में होगी राष्ट्रीय महिला लीग, मीराबाई चानू दिखाएंगी दमखम। कांगड़ा के नगरोटा बगवा में अगले साल फरवरी में राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय वुमन चैंपियनशिप लीग करवाई जाएगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक हासिल करने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, हर्षा गढ़, एस बिंदिया रानी सहित कई नामी महिला खिलाड़ी दमखम दिखाएंगी। वहीं प्रतियोगिता 13 से 20 फरवरी तक नगरोटा बगवा के रेनबो इंटरनेशनल स्कूल स्थित खेलो इंडिया रेजिडेंशियल अकादमी में होगी। प्रतियोगिता में देश की नामी महिला वेटलिफ्टर के अलावा 450 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगी। इसमें यूथ, जूनियर, सीनियर वर्ग की 10-10 वर्गों के मुकाबले करवाए जाएंगे। पनसाई के डॉक्टर दंपति की बड़ी उपलब्धि, एक साथ पाई MD की डिग्री। नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत पनसाई निवासी एक चिकित्सक दंपति ने एक साथ MD करने की उपलब्धि हासिल की है। चंडीगढ़ स्थित PGI में दोनों ने डिग्री हासिल की। गत दिवस उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने सम्मानित किया। वहीं डॉक्टर सचिन शर्मा और डॉक्टर अंकुर शर्मा की इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है। वहीं वर्तमान में दोनों पति और पत्नी मंडी जिले के नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करसोग में सड़क हादसे में पति पत्नी सहित 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। हिमाचल के मंडी ज़िले के करसोग में आज सड़क हादसे में पति पत्नी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों का उपचार सुन्नी अस्पताल में चल रहा है। वहीं प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक हादसा आज सुबह 11:30 बजे के बीच हुआ। जिला करसोग नेशनल हाईवे पर अलसिंडी से करीब 50 मीटर दूर उत्तक मोड़ के पास टाटा सुमो सड़क से करीब 100 मीटर की खाई में गिर गई। जयराम ठाकुर ने CPS केस पर सरकार को घेरा। पूर्व CM बोले, मैदान छोड़कर भागे कांग्रेस के वकील, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए पेश। हिमाचल के पूर्व CM एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने CPS मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि अब कांग्रेस के वकील भी मैदान छोड़कर भागने लगे हैं। जयराम ठाकुर ने कुल्लू के भुंतर में आयोजित BDC सदस्यों के लिए अभ्यास वर्ग को संबोधित करने के बाद यह बात मीडिया के सवालों पर कही। वहीं उन्होंने कहा कि CPS मसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ट्रांसफ़र करने की मांग की थी और आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लगा, लेकिन सरकार की ओर से उनके वकील ही उपस्थित नहीं हुए। इससे यह साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मान चुकी है कि उनके पास कोर्ट में पेश करने के लिए कोई ऐसे तथ्य नहीं है जो इस फैसले को उनके पक्ष में कर सकें। नगर परिषद ऊना के कार्यालय में हंगामा, पार्षद के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज। नगर परिषद ऊना के कार्यालय में आज जमकर हंगामा हुआ। करीब 2 घंटे तक परिषद के कार्यालय में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। इसी बीच नगर परिषद के SDO राजेंद्र सैनी ने वार्ड नंबर 5 के पार्षद एवं भाजपा नेता जनकराज खजांची पर उनसे सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और हमला करने का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस को दी गई शिकायत में सहायक अभियंता राजेंद्र सैनी ने कहा कि जब वो अपने कार्यालय में ड्यूटी पर थे तो करीब 12:45 बजे पार्षद बाहर से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके कमरे में आए और हमला कर दिया। SDO की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। HPU शिमला का पूरा परीक्षा प्रशिक्षण संस्थान देगा नेट सेट की निशुल्क कोचिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र बरसात के कारण हुए कक्षाओं के नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को निशुल्क नेट सेट की कोचिंग और आम छात्रों के लिए PG की कक्षाएं लगाएगा। वहीं 4 नवंबर से 30 नवंबर तक पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में यह कक्षाएँ संचालित की जाएंगी। वहीं कक्षाएं रोज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक लगेंगी। वहीं केंद्र के निदेशक प्रोफेसर जोगिंदर धीमान ने कहा कि भारी
बरसात के कारण कोचिंग संस्थान में नेट और सेट की कोचिंग ले रहे छात्रों की कुछ दिनों कक्षाएं बंद रहीं। वहीं विश्वविद्यालय परिसर में पीजी कोर्स की कक्षाएं भी प्रभावित हुई थीं। सीएम सुक्खू ने मंडी में सड़क हादसे में शोक किया व्यक्त। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला मंडी के करसो क्षेत्र में अलसिंडी के पास हुए सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और घायलों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है। 28 नवंबर से शुरू होंगी शीतकालीन स्कूलों में इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से लेगा। वहीं 6 दिसंबर तक चलने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगा। वहीं परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने के आधा घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि तीसरी कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेंगी। इस दौरान 28 नवंबर को अंग्रेजी, 29 को पर्यावरण विज्ञान, 30 नवंबर को हिंदी और 1 दिसंबर को गणित विषय की परीक्षा होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश बोले, हिमाचल के भाजपा नेताओं के कहने पर केंद्र ने रोके 4,950 करोड़ रुपए। हिमाचल के भाजपा नेताओं के कहने पर केंद्र सरकार ने प्रदेश को जारी होने वाली आपदा राहत राशि रोक दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा पर भी भाजपा नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा के क्लेम के 4,950 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से न मिलने के लिए हिमाचल भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा नेताओं की वजह से ही केंद्र ने यह राशि रोकी है। आपदा से नुकसान का 6,746 करोड़ रुपए का पहला प्रस्ताव हिमाचल सरकार ने 10 अगस्त को केंद्र सरकार को भेज दिया था। उसके बाद 9,900 करोड़ रुपए का संशोधित प्रस्ताव 10 अक्टूबर को भेजा गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू की सेहत में सुधार, अफसरों को जरूरी काम निपटाने के निर्देश। एम्स दिल्ली में दाखिल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की सेहत में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री फोन पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और जरूरी काम निपटाने को कह रहे हैं। वहीं व्हाट्सएप पर भी अधिकारियों को संदेश भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें 1 सप्ताह तक किसी से भी न मिलने की सलाह दी है। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।